निर्वाचन कार्ड अपने मोबाइल से कैसे डाउनलोड करेंगे? तो हमें कोई भी ब्राउज़र अपने मोबाइल में ओपन कर लेना है और NVSP लिख करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर यहाँ www.nvsp.in करके ओपन होगा, इसको ओपन करना है। इसे डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे ताकि अच्छे से दिखे। यहाँ ईपिक डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो अब सबसे पहले हम इस पर रजिस्टर करेंगे। यहाँ नीचे दिया हुआ है डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज ए न्यू यूजर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है उसे फिल करके सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उसको डालेंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल मांगा जाएगा, उसको आपको फिल कर देना है। और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहेगा, वहाँ पर आपको पासवर्ड टाइप करके सबमिट कर देना है। तो आप इस पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो मैं लॉगिन पेज पे आ जाता हूँ। और यहाँ पर जो आपने मोबाइल नंबर डाला है वही आपका यूज़र नेम रहेगा, और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसे यहाँ पर फिल करके और कैप्चा फिल करके लॉगिन करेंगे। तो मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ। यूज़र नेम पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। आप लॉगिन करने के बाद ईपिक डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो चीज़ें दिया हुआ है जो आपने अप्लाई किया होगा, यानी BSP पोर्टल पे वोटर कार्ड के लिए। आपको एक रेफरेंस नंबर मिला होगा, उसको डाल करके भी आप यहाँ सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ईपिक नंबर है, तो मैं ईपिक नंबर पर क्लिक करके ईपिक नंबर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ईपिक नंबर टाइप करने के बाद, जिसे वोटर कार्ड नंबर भी कहते हैं, उसको आप यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। यहाँ डिटेल ओपन हो गया है और यहाँ दे रहा है सेंड OTP, इस पर क्लिक करेंगे। तो जिस नंबर से मोबाइल नंबर जो आपने दिया हुआ है बनाते समय वोटर आईडी कार्ड, उस पर एक OTP जाएगा। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद OTP यहाँ पर फिल कर देना है, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। OTP मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कैप्चा यहाँ पे एक आया हुआ है, कैप्चा टाइप करके डाउनलोड ईपिक लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। कैप्चा फिल करके डाउनलोड ईपिक पर क्लिक करेंगे। यहाँ डाउनलोड करने के लिए आ रहा है, डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ दिखा रहा है ईपिक नंबर भी दिया हुआ हैज़ बीन सक्सेसफुली जनरेटेड, डाउनलोड हो चुका है। अपने फाइल मैनेजर में जाएंगे, और यहाँ पर इसे ओपन करते हैं। तो इस तरह से ओपन हो करके आ चुका है। आप इसे प्रिंट करके इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ जो पुराना निर्वाचन कार्ड बना हुआ है नवंबर 2020 के पहले का, वो भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, और जो नए कार्ड बने नवंबर 2020 के बाद का वो यहाँ पर डाउनलोड हो जा रहा है। और जो पुराने कार्ड हैं वो दिखा रहा है कि वो भी जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे इस पोर्टल पर, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं जा करके। यदि आपको निर्वाचन कार्ड डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप नए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।